हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी जोन। आज के इस वीडियो में मैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाली हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में और बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। तो देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। राहुल सेज टू साइकिल्स फॉर ₹5,000 ईच, नाइदर लॉसिंग नॉर गेनिंग इन द डील। इफ ही सोल्ड वन ऑफ देम एट अ गेन ऑफ 25%, द अदर साइकिल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ। तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है हम ये क्वेश्चन सॉल्व करके पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या कहा जा रहा है और क्या क्या चीजें गिवन है। यहाँ राहुल ने दो साइकिल्स को 5,000 रुपीज में सेल किया है, यानी कि राहुल ने एक साइकिल को 5,000 रुपीज में सेल किया है और दूसरी साइकिल को भी 5,000 रुपीज में सेल किया है। और इस पूरे प्रोसेस में उसे ना ही लॉस हुआ है और ना ही प्रॉफिट हुआ है। तो नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन यहाँ पर बनती है। फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस की पार्ट वन वीडियो में मैंने कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया हुआ है, साथ में कुछ फॉर्मूले भी आपको बताए हैं, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पार्ट वन में मैं इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, तो फिलहाल मैं यहाँ पर भी आपको बता दे रही हूँ। तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, तो ये कौन सी कंडीशन होती है जिसमें कि ना ही प्रॉफिट हो रहा हो और ना ही लॉस हो रहा हो। तो राहुल दो साइकिल्स परचेज करके लाया था, जिसमें से उसने एक साइकिल को 5,000 रुपीज में सेल कर दिया और दूसरी साइकिल को भी 5,000 रुपीज में सेल कर दिया। तो इस केस में उसे ना ही कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही कोई लॉस हुआ। मतलब ये कि राहुल जितने अमाउंट पर ये दोनों साइकिल परचेज करके लाया था, उसने उतने ही अमाउंट में ये दोनों साइकिल सेल कर दिए। हमें ये नहीं पता यहाँ पर कि हर एक साइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या है। हमें केवल इतना पता है कि उसने हर एक साइकिल को 5,000 रुपीज में सेल कर दिया। तो ये टोटल हो गया कितना, 5,000 + 5,000 = 10,000, यानी कि उसे 10,000 रुपीज साइकिल्स को सेल करने के बाद मिल गए और इतने में ही वो दोनों साइकिल्स को परचेज करके भी लाया था। इसलिए यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन बनती है। इसके अलावा यहाँ पर क्या चीजें गिवन है देख लेते हैं। इफ ही सोल्ड वन ऑफ देम एट अ गेन ऑफ 25%, यानी कि इन दोनों साइकिल्स में से उसने एक साइकिल बेची जिसमें कि उसे 25% का गेन हो गया, यानी कि प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, द अदर साइकिल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ, यानी कि जो दूसरी साइकिल है वो जब बेची गई तो कितना परसेंटेज का लॉस हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे लॉस निकाल लीजिए, उसके बाद लॉस परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। बट लॉस निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस तो गिवन है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, उसके बाद ही हम लॉस और लॉस परसेंटेज फर्दर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम उस साइकिल का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं जिसको कि उसने जब सेल किया तो उसे 25% का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद हम सेकंड साइकिल का कॉस्ट प्राइस, लॉस, लॉस परसेंटेज सब निकाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट साइकिल का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट साइकिल सीपी हमें निकालना है, एसपी क्या हो जाएगा 5,000 रुपीज। ये कैसे आया, चूंकि मैंने आपको पहले बताया था, ये देखिए मैंने साइड में भी लिखा हुआ था, एक साइकिल को 5,000 रुपीज में बेचा, दूसरी साइकिल को भी 5,000 रुपीज में बेचा। इसको मैं C1 से डिनोट कर रही हूँ और यहाँ पे C2 यानी कि सेकंड साइकिल। तो ये आप ऐसे साइड में लिख लीजिए जिससे कि आपको याद रहेगा। तो फर्स्ट साइकिल का सेलिंग प्राइस इस तरह से हो गया 5,000 रुपीज। प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया हुआ है 25%। अगर सेलिंग प्राइस दिया हो, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो और कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो उस केस में एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं पार्ट वन में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म लिख लेंगे सीपी। सीपी इक्वल्स टू 100 / 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि सेलिंग प्राइस। अब इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो सब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये हो गया सीपी इक्वल्स टू 100 / 100 + 25
प्रॉफिट परसेंटेज 25% हमें दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आ गया 25 × 5000। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 5000 रुपीज़, तो ये यहाँ पे लिख दिया। कैलकुलेट कर लीजिए। फर्स्ट साइकिल का कॉस्ट प्राइस आ गया 4000 रुपीज़। फर्स्ट साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस निकल कर आया है, उसी से हम सेकेंड साइकिल का कॉस्ट प्राइस भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जब राहुल ने दोनों साइकिल को सेल किया था, तो उसके बाद उसे कितना अमाउंट मिला था सेल करने के बाद? 10000 रुपीज़। फर्स्ट साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना निकल कर आया था? 4000 रुपीज़। यानी कि 10000 रुपीज़ में 4000 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है फर्स्ट साइकिल की, तो बचा कितना? 10000 − 4000 = 6000। तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस जो सेकेंड साइकिल है उसकी। तो यहाँ पर हम दोनों चीजें लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट साइकिल इक्वल्स टू 4000 रुपीज। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड साइकिल इक्वल्स टू 6000 रुपीज। फर्स्ट साइकिल और सेकेंड साइकिल का कॉस्ट प्राइस निकल गया, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन में हमसे जो पूछा जा रहा था, अब हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो सेकेंड साइकिल है, जब उसको बेचा गया तो कितने का लॉस हुआ, और लॉस हमें परसेंटेज में निकालना है, जो कि ऑप्शंस दिए हुए हैं वो परसेंटेज में है। इसके लिए सबसे पहले लॉस निकाल लेते हैं। तो लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वैल्यूज पुट कर दीजिए। कॉस्ट प्राइस निकल के आया है 6000 रुपीज़ माइनस सेलिंग प्राइस 5000 रुपीज़। यहाँ पर हम सेकेंड साइकिल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसलिए सेकेंड साइकिल की जो भी वैल्यूज है लिखी जाएंगी। तो लॉस आ गया 1000 रुपीज़। अब लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं। लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। वैल्यूज पुट कर दीजिए। लॉस निकल कर आया था 1000 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस 6000 रुपीज़ इंटू 100। तो लॉस परसेंटेज क्या आ गया? 50/3%। हमारा आंसर तो निकल कर आ गया है। अब चेक कर लेते हैं कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो ऐसा ऑप्शन तो हमें यहाँ पे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पर 15% और 25% तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा था? 50/3। इसका मतलब ये हो गया कि 15 2/3% और 16 2/3% में से ही कोई आंसर है। तो जो आंसर निकल कर आया है, आप चाहें तो उसे इस तरीके से कन्वर्ट करके पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, या फिर जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको आप इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिए जिस तरीके से आपका आंसर आया है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, ये जो दो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसी को जो आंसर आया है उसमें कन्वर्ट करके चेक कर लेती हूँ, जिससे कि पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप चाहें तो जो आंसर आया है उसको भी आप इस तरीके से कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमें इसको जो आंसर आया है उसमें कन्वर्ट करना होगा। तो ये कैसे किया जाता है? 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से, जो भी वैल्यू आएगी उसको प्लस कर दीजिए 2 से, यानी कि 15 × 3 = 45। 45 + 2 = 47, यानी कि ये आ गया 47/3%। तो ये तो हमारा आंसर है नहीं, यानी कि ये भी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 16 2/3%। इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 से, तो आ जाएगा 48। इसमें प्लस कर दीजिए 2, तो 50/3%। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है।
ये जो हमने लॉस परसेंटेज निकाला है इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी दो फॉर्मूले और हैं जिनमें वैल्यूज पुट करके आप लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो आइए वो देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू 100, और सेकंड है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। तो आप चलिए लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं इन फॉर्मूले का यूज़ करके। जैसा कि मैंने कहा था कि हम यहाँ पे लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था उतना आप सेम रखिएगा। लॉस परसेंटेज निकालने के यहाँ पर मैं आपको तरीके बता रही हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। वैल्यूज हमें क्या क्या गिवेन है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 6,000 रुपीज, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 5,000 रुपीज, लॉस परसेंटेज हमें निकालना है। जैसा कि मैंने कहा था कि लॉस परसेंटेज सेकेंड साइकिल का निकालना है, इसलिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेकेंड साइकिल का लिखा हुआ है। कॉस्ट प्राइस की जगह पे आ गया 6,000 रुपीज़ इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस की जगह पे 5,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज निकालना है इनटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो लॉस परसेंटेज क्या आ गया, 50/3%, यानी कि 16/3%। तो सिंपल था, इस तरीके से भी आप लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब दूसरे फॉर्मूले से कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 5,000 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 6,000 रुपीज़। सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए। तो लॉस परसेंटेज क्या आ गया, 50/3%, यानी कि 16/3%। फ्रेंड्स, मेन होता है क्वेश्चन को समझना। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद से कर कर देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉफिट एंड लॉस के और क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। इसके अलावा मैंने और भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड हैव अ गुड डे।